हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, आप सभी का दिन बेहतरीन जाए। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में, और उनके और आपके बीच क्या कुछ हो सकता है जानने की कोशिश करते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप सबके लिए है। तो सोचिएगा आपके पार्टनर के बारे में, उनको अपने मन में ज़रूर रखें, साथ में यूनिवर्स से प्रे कर लें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। तो क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी? जनरल रीडिंग है तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करें, ठीक है? तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट करें उतना रखें, जो नहीं हो रहा है उसको इग्नोर करें। क्या कुछ सोच रहे हो आपके पार्टनर आज मॉर्निंग में आपके बारे में? ओके, आपके पार्टनर मिलने के बारे में सोच रहे हैं? आपके पार्टनर कोई अहम कदम उठाना चाहते हैं, कुछ बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स है आप दोनों के बीच, आपके रिश्ते में, आपका पार्टनर कम करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, या काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, काफ़ी बैलेंस पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इनको अच्छे और बुरे का ज्ञान है, ये काफ़ी जीनियस मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, मैच्योर काफ़ी ज़्यादा हैं, सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं। तो अगर ये इंडिपेंडेंट हैं हर जगह मीन्स ये अपना फ़ैसला खुद ले सकते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं है, मैच्योरिटी है इनमें, कोई और इनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है? इनकी लाइफ का कंट्रोल इनके खुद पर है, इनके खुद के हाथ में है, ठीक है? ये अपनी लाइफ का मास्टर हैं और आपसे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, आपने देखा है इनके एक्शंस में, इनके रिएक्शन में। तो ऐसा लग रहा है आपका जो पार्टनर है वो आगे बढ़ा रहे हैं आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को, आप दोनों के बीच बैलेंस ला रहे हैं, ठीक है? अगर इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया था, हर्ट किया था, आपको अलोन छोड़ दिया था, आपने फील किया कि इसने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे ज़रूरत थी इसकी, ये कहीं और चले गए स्टडी को लेकर, कैरियर को लेकर, किसी बात को लेकर आप नाराज़ हो, गुस्सा हो, ये आपको मना लेंगे, ठीक है? ये आपको कहेंगे कि जितना आपने अलोननेस फील किया है, इनका भी वही एनर्जी था, ठीक है? इन्होंने भी आपको बहुत मिस किया, बहुत याद किया, और अब ये आ रहे हैं तो वेलकम करें इनका, ठीक है? एक्सेप्ट करें इनको, काफ़ी मिस किया है आपके बिना, बहुत तनहा जिया है, अब चाहते हैं आपका साथ जिए, ठीक है? आपके साथ जीना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपसे सेकंड चांस मांगना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ये आपके एक्स हैं, या आप दोनों के बीच दूरी आ गई है, ब्रेकअप हुआ, ठीक है? या आपके एक्स पार्टनर हैं जो कि सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे, या आपको देना चाहते हैं। कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है? फैमिली में फाइट हुआ है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ये सब कुछ सही कर लेंगे, इनके एनर्जी ऐसा है। अगर प्रॉब्लम्स आ भी रही है आप दोनों के बीच आगे, तो ये संभाल लेंगे, बस आप इनको सपोर्ट करो, इनका साथ दो, इनको एक्सेप्ट करो, ये इनका सोच है। यहाँ पर कैंसर है, वर्गो है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। आपके लिए नंबर 9, 2, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 29, 27 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और क्या है इनका सोच आज मॉर्निंग में आपको लेकर? क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, या आपके फादर से बात करना चाहते हैं? अपने फादर से बात आई थिंक इन्होंने कर लिया है, ठीक है? अब आपके फादर से बात करना चाहते हैं, या ब्रदर से बात करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है? फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं। आपके फादर, ग्रैंडफादर या ब्रदर, किसी से बात करना है, ऐसा एनर्जी आ रहा है, ठीक है? अगर आप दोनों के बीच फैमिली आ रही है, या ऐसा है कि अब आगे बढ़ाना चाहते हो, उसी की वजह से अटका हुआ था, या फैमिली प्रॉब्लम्स हुआ आप दोनों के बीच, तो ये होने जा रहा है।
और क्या है एनर्जी। कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है अपने ईगो को साइड में रखकर, अगर ईगो इशू आ रहा था यहाँ पर इनके साइड से, तो अपने ईगो को साइड में रखकर आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि किसी बात का रियलाइजेशन इनको हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इनको एहसास हुआ है कि आप इनको इनके हो, आप इनमें स्टक हो और आपको काफ़ी हर्ट किया इन्होंने जाने अनजाने में। जो आज आपका सिचुएशन है, जो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि रीज़न ये है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जो आज आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, या जो आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, जो आप हर्ट फील कर रहे हो, जो हर्टफुल आपका सिचुएशन है, जो निगेटिव आपका इन्वायरमेंट है, इनको ऐसा लगता है कि इनके वजह से ऐसा है, ठीक है। इनके वजह से आप दर्द में हो, आपका एनर्जी ऐसा है कि आप खुद को ट्रैप्ड पा रहे हो और आप इनमें अटके हुए, इन होने जाना है, देखा है कि आप इनमें स्टक हो, ठीक है। तो अपने ईगो को साइड में रखकर ये आपकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं या क्लियरली आपको बता रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। और अगर आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली प्रॉब्लम है, फादर इशू है, या फादर नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ है, क्लियरली बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये एक्शन ले रहे हैं, अगर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप ही खुद के लिए, आपके रिश्ते के लिए, इनके लिए स्टैंड लो, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए इनको, आपका साथ चाहिए, और जो भी है क्लियरली आपको कह देंगे, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं आपसे, आपको बता देंगे क्लियरली। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, और क्या कुछ सोच रहे हैं। हैप्पी फैमिली, ठीक है, बिल्कुल आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पर रिस्पेक्ट हो, लव हो, केयर हो, जहाँ पर प्यार हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। क्या एक्शन ले सकते हैं आज के दिन, मुझे एक्शन दिखाई दिया है, यूनिवर्स बताया मुझे। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तो चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में ना लव रोमांस मिसिंग है, तो ये वापस से लाना चाहते हैं, ठीक है। आप समझो, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। क्या एक्शन ले सकते हैं आज के दिन आपके लिए, आपसे बात करेंगे, किसी तरह कॉफर कर सकते हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं, या इनका कॉल टेक्स्ट आपके लिए गुड न्यूज़ होगी, अपने कैरियर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, इनके खुद के या आपके, इससे रिलेटेड बातचीत कर सकते हैं। मुझे कई लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद को प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, पर बातचीत ऐसे कर रहे हैं कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, ये अपने लव को शो नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। शायद इनको ऐसा लगता है कि आपके साइड से एक्सेप्टेंस नहीं है, आप नहीं चाहते, या अब आप प्यार नहीं करते इनसे, या जब आप अपना लव शो करोगे तब ये करेंगे, इनका सोच मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब आप इमोशंस बाहर लाओगे तब ये लाएंगे, तब ये कहेंगे, तब ये इमोशनल होंगे, इमोशनली आपसे जुड़ेंगे, ये इनका सोच मुझे दिखाई दे रहा है। मिलकर कुछ कहना है, मिलकर प्रपोज करना है, या मिलने का वेट है, इंतज़ार है इनको कि कब आप दोनों मिलोगे, यूनियन कब होगी आपको, ये कब आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे, इनको इंतज़ार है, वेट है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, शायद आप किसी और के साथ हो और आपका जो एक्स है वो आपको स्टॉप कर रहे हैं, कि आप कितने खुश हो, हैप्पी हो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ चुके हो, और वो जेलसी फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितना खुश आप उनको नज़र आ रहे हो, वो नहीं है अपनी लाइफ में, वो जेलस फील कर रहे हैं कि
आपने उनको भुला दिया है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप खुश अपनी फैमिली के साथ, अपने लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। आपने खुद को ग्रोथ की ओर ले जाया है, खुद को ग्रो किया है आपने, तो कोई जेलस फील कर रहे हो, वो आपके एक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कई लोगों के लिए, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो तो। आज के दिन क्या कुछ हो सकता है, क्या चांसेस है होने का, आज के दिन उनके और आपके बीच क्या कुछ हो सकता है। मुझे फाइट के चांसेस दिखाई दिए हैं, अगर यहाँ पर डाउटफुल एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, लिमिट क्रॉस करना चाहते हैं, वो आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं। इस तरह का उनका डिमांड मुझे दिखाई दे रहा है कई लोगों के लिए, ठीक है। यूनिवर्स बताए मुझे आज के दिन क्या कुछ हो सकता है या आपको स्टॉप कर रहे हैं। कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जश्न हो रहा है आप दोनों के बीच, यूनियन रियूनियन सेलिब्रेशन, किसी तरह का गेट टुगेदर, हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, काफ़ी पॉजिटिविटी है आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में। मुझे फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, कुछ सही हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर, गुड एनर्जी है। यूनिवर्स बताए मुझे क्या कुछ हो सकता है आज के दिन इन दोनों के बीच, क्या चांसेस है होने का। कई लोगों के बीच मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, सिचुएशन वहीं का वहीं है, पर मिसिंग वाला एनर्जी है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप मिस कर रहे हो, ये दर्द में हो, आपको इंतज़ार है वो कब आएंगे, आपको ऐसा लगता है कि वो खुश है अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन में हो आप दोनों, वो व्यक्ति अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय तो कर रहे हैं पर शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको लेकर है, आपके लिए है, आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें स्टॉप नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और के साथ हूँ। कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ये किसी और के साथ हैं, ठीक है, तो ये शो ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ या बढ़ गई हूँ, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, जबकि आपको स्टॉक कर रहे हैं, उतना खुश नहीं है जितना आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगी किसी तरह का, आपके लवर के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, किसी तरह का जश्न हो रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, जश्न हो रहा है, और आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो काफ़ी जेलस फील कर रहे हैं, वो काफ़ी चिड़चिड़ा रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि वो आपको इतना मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आप उनके बिना खुश हो, हैप्पी हो, उनको भूल चुके हो, आप इंजॉय कर रहे हो उनके बिना, तो वो काफ़ी जेलस फील कर रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है तो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका प्रमोशन हुआ है, होने जा रहा है, आपके वर्क वाले एरिया में वहाँ पर पार्टी हो रही है जिसको आप अटेंड कर रहे हो। मुझे आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरह का हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है, हैप्पी मोमेंट्स दिखाई दिए हैं, फ्रेंड्स में किसी का बर्थडे हो सकता है या तो आपका खुद का है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आज के दिन आपको स्टॉक करेंगे, अगर बात नहीं भी कर रहे हैं तो आपको स्टॉक ज़रूर करेंगे, और काफ़ी जेलिश फील कर रहे हैं। और क्या कुछ हो सकता है यूनिवर्स में टैमेज है, क्या कुछ हो सकता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है कई लोगों का, और कुछ लोगों के लिए आशा दिखाई दे रहा है वहीं का वहीं है। अगर किसी इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनका एक्सपेक्टेशंस आपसे हाई है, पर वो आपकी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतरते हैं, वो आपको कंटिन्यूसली हर्ट पहुंचा रहे हैं, आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, आपको डिप्रेशन में डाल दे उन्होंने, आपका आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, ये रिश्ते का एंड हो गया है, काफ़ी वक्त हो गया है, बातचीत नहीं हुआ है,
तो ऐसा लग रहा है कि वहीं का वहीं है। अगर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि लापरवाह है आपको लेकर या आपके रिश्ते को लेकर, तो ठीक है, वहीं का वहीं है। कई लोगों के बीच हैप्पी मोमेंट्स मुझे दिखाई दिया है, मीटिंग दिखाई दिया है, सेलिब्रेशन दिखाई दिया है, या कांटेक्ट में हो आप दोनों, वहीं के लोगों के बीच नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, वहीं का वहीं है सिचुएशन। और क्या कुछ हो सकता है यूनिवर्स बताए मुझे। आप मेरे व्यूवर्स को इनके रिश्ते को लेकर, इनकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या है आपका मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, खुद को फुल मत बनाइए, ठीक है, खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए, मैच्योरिटी लाइए। अगर किसी ने आपको हर्ट पहुंचाया है, दर्द दिया है, ब्रेकअप हुआ है, किसी ने विश्वासघात किया है, आपको चीट किया है, तो चीटर से उम्मीद मत कीजिए, चीटर का वेट मत कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए, आगे बढ़िए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। आप काफ़ी मासूम हो, काफ़ी इनोसेंट हो, कोई आपका मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है, उठाता है, ख्याल रखिए इस बात का, ठीक है, कि ये सही है कि आप इनोसेंट हो, पर खुद को इतनी भी ज़्यादा मासूम मत बनाइए, मासूम मत रखिए कि कोई भी फ़ायदा उठा रहा है इससे इसका, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यू स्टार्ट कीजिए, न्यू बिगनिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, न्यू स्टार्ट हो रहा है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लव लाइफ में भी, कैरियर में भी, पर कुछ गलती करने से बचिए, पास्ट में जो मिस्टेक्स आपने किए हैं, जो गलती आपसे हुआ है। मासूम रहना अच्छी बात है, आप में मासूमियत है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप एक बेबी की तरह हो, काफ़ी प्योर हार्टेड हो, काफ़ी मासूम हो, इनोसेंट हो, पर ध्यान रखिएगा कि इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, ठीक है, आपकी मासूमियत का। और आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, न्यू स्टार्ट देख पा रही हूँ, न्यू बिगनिंग देख पा रही हूँ मैं, न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है आपको, न्यू स्टार्ट कीजिए, चीटर के इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना सही नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, बैलेंस एनर्जी में रहिए, और लाइफ को एक लेसन की तरह लीजिए, जो कुछ भी अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया है उन सब से लेसन लीजिए। पास्ट के मिस्टेक्स को मत दोहराइएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन ज़रूर हैं जो कि आपको सही एडवाइस देते हैं या देंगे इन फ्यूचर भी, अगर आप कुछ मिस्टेक्स करते हो या कोई गलती करने जा रहे हो, तो आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन ज़रूर होंगे जो कि आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही डायरेक्शन दिखाएंगे, जो कि आपको गलत करने से रोकेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, उनका सुनना है आपको, ठीक है। वो ट्रू फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली के मेम्बर हो सकते हैं, आपके सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो कि आपको सही राह दिखा रहे हैं, कुछ गलत करने से रोक रहे हैं, किसी पर ब्लाइंड फोल्ड नहीं करना है आपको। एक बार फिर से कहूँगी, पास्ट की मिस्टेक्स को मत दोहराइएगा, नहीं तो आपको ही हर्ट होगी, मैसेज आपके लिए यही आ रहा है। और आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए न्यू डोर ओपन कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसको आपको ग्रैब करना है। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना, हैव अ गुड डे, टेक केयर।